नगर झोरडे महायने और श्री जोशी जी महाराज याद करूं हृदय बसो प्रभु कर जो सबरी सा तो देखो सजना बाबे हरिराम जी महाराज दाई माँ ब्राह्मण है राम नारायण जी ब्राह्मण करे हरिराम जी महाराज रो जन्म हो माता चनना दे हरिराम जी महाराज की माता रो नाम चनना दे है और हरिराम जी महाराज जन्म ही कोई है के भाव भक्ति नहीं जरिया करता छोटी औस्त्यार यानी जनी कोई है के हरिराम जी महाराज सत्संग में जागरण में कथा में भाव भजन में हमारी लगन ही जगी ज्यादा होती तो इन्हें जोगान जोग और एक समय अपने नगर जोरडे रे मो मैन सरणा जगे रामाकिशन जी महाराज रामाकिशन जी महाराज मेरे आया और आज आ गई गांव रे मो सत्संग रो जगो प्रोग्राम राखियो तो सब जगह नगर रा लोग आ जगह हुई सत्संग में गया और हरिराम जी महाराज भी इस सत्संग रे मो गया है रात भर हरि कीर्तन होतो रहयो और ज्यों ही चार बजे जो सत्संग दी पूर्णावती होई और ओए टाइम में मैंने सब गांव राज के जिता भी श्रोता होता जगे वे प्रसाद लेकर के और अपने अपने जगह घर फिरारिया और हरिराम जी महाराज लास्ट तो ये जगह पर बैठा रिया जन गुरु रामाकिशन जी महाराज देख और क्यों रे भाई तू अट बैठो है कौन है कोई जाती है थारो कोई नाम है और थारे जो कोई कारण तू आठ बैठो है हरिराम जी महाराज जाकर के कोई बोले महाराज मैं जाती रो दाई मो ब्राह्मण हूं और क्यों मारू नाम हरिराम है और बाबा मैं थोर कन आठ ईर वास्ते बैठो हूं कह जकी आ मारे मरु सदी धरती है इरमा मार के बहुत आराम है महाराज क्योंकि जगिया धरौली धरती है नहीं जगिया पूरी बड़ी है जगिया हमारा सुंदर है गीतों में गाई जाए इरमा खेत और मां महाराज मारे जगह धौन गणी हुए ग्वार फलियां गणी हुए काकड़िया गणी हुए ट्रेशा हुए मतीरिया हुए पण महाराज अट एक बड़ो बारी की है जगह दुख है हरिराम जी महाराज गुरु रामाकृष्ण जी महाराज ने कोई कहे और कई वार्ता पण बने तो कोई अरे दिन दिन आली रे हलिया पावे ओ सांझे पड़े कर आवे बाबा अरे दिन दिन आली रे हलिया पावे सांझे पड़े कर आवे आज दिन में आई
हरिराम जी महाराज देख और रामा कृष्ण जी महाराज ने कहे, बोले महाराज 25 वर्ष रोज क्यों जवान हुए और क्यों महाराज खेतरे में अड़बाउंड वास्ते जावे और महाराज मार्ग में बेते बेते नहीं कोई है जगो बिश्वर है महाराज जगो नव पुली नागौरी है और पेड़ो है जगो नव पुली नागौरी नारो नाग महाराज और एड़े कोई जगह बिश्वर है जगह महाराज वो इन्हें लड़े एर महाराज को कोणी को मांगे नहीं खत्म हो जावे तो ई बात रो भारतन कोई है जगो झाड़ू जंतर और झाड़ फूक है नहीं और क्यों ईरो आप आए है जो कोई सीधी बताओ तो आप ही क्यों बड़ी है जगी कृपा हुए गुरु रामा की संजी महाराज देख रहे बोले हरि राम अगर ई चीज रो तू झाड़ो मंत्र ले ही तो महाराज का ईरा नेम है जगह बहुत कड़ा है हरि राम जी महाराज क्यों महाराज ठेके होनी जगे नेम है जो मैं पालन करो बाकी आप माने जो आ जाना रही है जगी सीधी कराओ तो गुरु रामा किशन जी महाराज हरिराम जी महाराज ने पहलो नेम बतावे के हरिराम सबसे बड़ो जगो नेम है जगो महाराज वो प्रथम नेम है हरिराम जी महाराज ने गुरु रामा किशन जी महाराज को ही कहे है अरे कल युग में कंवारो रेणो ओ पड़सी छोरा हरियाबो अरे भाई वाला जीरो खेणो पड़सी धूपी ओरे हरिराम जी महाराज ने गुरु रामा कृष्ण जी महाराज कह बोले बेटा ओ जगो भयंकर कलयुग है और जगेरे मां आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करनो पड़ी और हनुमान जी महाराज रुद्योतन है जगो इस धारण करनो पड़ी 84 जनौरी है जगी सिद्धि करनी पड़ी और एक आसन माते बैठ करके और महाराज है जगी जनौरी सीधी और जब करनो पड़ी अरे कलयुग में कमारो रेणो पड़सी के छोड़ा हरिया अरे भाई बालाजी रो खेणो पड़सी धूपियो अरे जोशी तीने धावे जा रहा के दुख मिट जावे एक कलयुग अवतारी है साचा देवता
हरिराम जी महाराज देख करके बोले महाराज ए तो कोई नेम मन तो एकदम बिल्कुल है जगह सरल सात लगे। गुरु रामा किशन जी महाराज देख करके उदन ठीक है ए गुरु मंत्र दियो है और हरिराम जी महाराज आप रे घिरे आवे है और झोपड़े रे मां और हनुमान जी महाराज रो धुनो गा लियो है और बड़ जाड़ो नी है जगी सीधी करे है। तो इन्हें हनुमान जी महाराज रो इष्ट लियो है और हरिराम जी महाराज चार बजी है जगह धंधर के बैठा हुए है और आप प्राणित कर्मो निवृत्त होकर के और माला फेरे है और जाड़ो रही है जगी सीधी करे है। जन गांव वाला विचार करो रे अब काल गियो हरिराम की बारे कब निकले जन कई बैठा ये जगह कहे महाराज हरिराम की भगत होयो है। तो एक दिन हरिराम जी महाराज गांव जोरड़े रे मां और कोई हरिजना में है जगह सत्संग होवे और हरिराम जी महाराज भी सत्संग में जावे है। पुरानी टाइम रे मां महाराज ये इलेक्ट्रॉनिक साधन है जगह कते होता ए जगह साउंड वीजा ए नहीं है भक्त हमारा जगह पुराना संत जगह पीने रे माथे जम्मा जागरण और सत्संग किया करता और तो ये जो दो दो कोसरी भाव होनी था और अब हमारा थे इता लागी रहे तो ये जो आवाज रो कम था बड़े हैं क्योंकि कुछ तो आपा लोका रहे जो वातावरण है इरमा भी है जो असुत्ता है वायुमंडल भी दूषित है और भी टेमर में वातावरण भी शुद्ध हो की महाराज मो है जो करारी हो तो क्योंकि भीत बार है वह ताती बार है वह कोने। तो अब हरिराम जी महाराज भी सत्संग में जावे और इन्हें सुबह चार बजे सत्संग में वो पाछा आवे भी टेमरे में हरिराम जी महाराज रे काकेरो बेटो भाई सामने मिले है और हरिराम जी महाराज ने देख करके कहे कुणे भाई हरिराम देख रही क्यों बोले महाराज वो तुम हरियो बोले हरिजन तू है जो रात भाई कट गयो बोले अठे कोई एक हरिजनों में जो सत्संग ही और मैं भी है जो सत्संग में गयो जन भी काकेरे बेटे भाई देख कर क्यों रे हरिराम तू कह नहीं हूं जानो री सीधी करूं तो बोले जानो ने सीधी करे तेरे सत्संग में नहीं जानो तड़म वो खाके रो बेटो भाई है जगह कोई के है अरे ऊंच नीच रे घर में कोनी ओ जानो बिना हरिया रे अरे भाई आपा ने मिलियो ओ ब्राह्मण घोड़ियो रे वीरा जय तो हूं बोलू पाछी जय में नहीं बोलनो पड़े इस वास्ते कम से कम जय तो थे होमी बोलिया करो। हाँ तो अब वो हरिराम जी महाराज रो भाई कोई कहे के ऊंच नीच रे घर में कोनी जानो बिरा हिया अरे वो आपा ने मिलियो है ब्राह्मण रो घोड़ियो अरे भाई आपा ने है जो ब्राह्मण रे घरो शरीर मिलियो है ऊंच नीच रे घर रे मो नहीं जाओ तीजे हरिराम जी महाराज बड़ाई यानी खुशहा
तो हरिराम जी महाराज कह रहे भाई कि ऊंच नीच भेदभाव ये तो अपन अपनी संसारी लौकिक रहा है। हरिराम जी महाराज तो सिद्धि पुरुष है। तो हरिराम जी महाराज आप रे भाई ने कोई कहे है बोले आप तो हाँ ही कोई भगवान राम जी त्रेता युग में अवतार लियो महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज रे घरे और भगवान राम जी कोई मर्यादा बांधी। हरिराम जी महाराज कह रहे भाई तुम्हारी बात है जी सुन। तो हरिराम जी महाराज आपने भाई ने कोई कहे अरे त्रेतारे युग में ओ राम भय राजा अरे बांफी लेनी रखाया सूता बोर भाई ने कह रहे बोले भाई त्रेता युग में और भगवान राम जी राजा होया और भाई है जो ऊंच नीच रो क्यों भेदभाव है जो नहीं राखियो और बिलनी रे घर है जका हमारा झूठा बोरिया खाया यार तू सत्संग में जाऊं कोई मन आ बात कह रही है यार अगर तू मन आ बात कहे गुरु रामकृष्ण जी महाराज तो मन कोई एड़ी बात कही गोल के भाई सत्संग में जानो कोनी ऊंच नीच रे घर जानो कोनी अगर तय बात की है तुम्हारा अगर जे मन सत्संग रो सोफ हुई तुम्हारे झोपड़े रे मैं सत्संग कराऊं बाकी आज रे बाद रे मैं कोई है जो सत्संग में कौन जाऊं। हरिराम जी महाराज आसन रा बड़ा भारी पक्का हुआ है और एक आसन रे माथे बैठ करके और हरिराम जी महाराज जो अखंड मंत्रारो है जो जपन करे है यूं करता करता कई दिन बदित होया और एक दिन जोगान जोग बिहागणी हरिराम जी महाराज रुको जो काकेरो बेटो भाई हो पीरी छोरे ने है जो पान लागी कालिंदर सर्प खायो है और मन में विचार करियो रे छोरे ने है जो सर्प खा गयो एर महाराज तम कोई करो जण पुरानी टीमरे में जाड़ीगर विया करता बोसेरी गांव रे में जाड़ीगर जाके ने लाउंडे वास्ते है वो हरिराम जी महाराज रो भाईड़ो है जो ऊंट रे माथे पिलान करे है बेगो बेगो भगावटे भगावटे और खड़बड़ाटो बाजियो और हरिराम जी महाराज यो बाड़ रे ऊपर लब भर देखियो और क्यों भाई आज तो है जो कट सावे है अरे कभी पिलानी है जो नीचो नोक दियो ऊंटियो बी क्यों रे बेटी रा बाप दुष्टि जो तन बोलने री कट जरूर थी बता हूं है जो छोरे ने वारे ने पान लागियो और हूं जाड़ीगर के वास्ते है जो जाओ तो बोसेरी अब या तो त्या कट करो दे दियो जन का तो महाराज वो जाड़ीगर को मिले नहीं और जे जाड़ीगर मिली तो महाराज मारो थोरो है जो लाखाई को बसे
हरिराम जी महाराज देख करके तो भाईड़ा आलियो है किसे थोड़े ने कौन लागियो है जगन थे जो कुमार कम लाओ ईसा दाड़ा है जो आजकल हूं है जो वो देवन लागियो जन भी भाईड़े देख करके तो नहीं जन ठीक कहली तो बाहर जाऊं तो कहते हमारे है जो कुछ हो गया कौन तो अब हरिराम जी महाराज भी भाई रे टाबरी ने जो वो हम हो बेसान और धोनेरी बबूती ली है और मोर रो पंखियो लियो और पंखियो लेकर के हरिराम जी महाराज के सर्प नहीं खायो है सर्प नहीं खायो है सर्प नहीं खायो है तीन बार की ओर का भी भाई रे अरे वाह आसा थारा झाड़ा है जबर ही जो तू है ओई कोई झाड़ो वे भोपा वरना वे जगह झाड़ा दे जणियो पसीनो सूटे गे आता हूं एजो गई हूं थोन कह दियो खाल हुंतले हगली हरिराम जी महाराज की होवे जका खाल हुंते नहीं वो वही कहीं को ए ओ मारो है जको जाड़ो है जको हनुमान जी महाराज रे इष्ट साले बबूती लगाई धुनेरी और आठ पोर रे मो और बिचावर रे महाराज हो जो ही आयो कोनी बाबे हरिराम जी महाराज री हनुमान जी महाराज री कृपा हुई हरिराम जी महाराज पूछियो कियो के है छोरे रे जन भी राणे देख रही कियो तू है जो लुखी दावे तो खावे हां छोरे ने कियो पौन है जो लागियो कोन मारे भूल उड़ी है अरे देख क्यों कौन लाग तो थोरो है जो कोई जीव तो थोड़ी देर तो गेलो है सरे ने कोई मकोड़ो खायो है अरे जे ज्यादा ही कोई जोर मारियो है तो महाराज माकड़ खायो है हरि राम जी महाराज देख करी करे भेजो थे इतो मोटो खर्चो होयो रे जके थे मानो कोनी जण आ तो बड़ी बारी क्यों भेजा बात है जण महाराज एड़ो है जो को रोड़ो होनी उधर कोई पांच सात दस और भेड़ा हो गया बे हरिराम जी महाराज रा काका बाबा ना भाई अरे कोई पौन दस सात है कोई और ही क्यों कोई बात है बोले बात तो एड़ी है जण बाहु दे करी क्यों तू माने कोई न कोई परचो मोटो दे मोटे पर से बिना क्यों माना कौन क्यों के चमत्कार बिना महाराज आजकल दुनिया ने है जो को लोग नमस्कार करे कौन देवता दुनिया अरे चमत्कार है तो बड़ा नमस्कार है जन हरिराम जी महाराज की अच्छा आ बात है बोले हाँ तो क्यों थे तो आठ ही हो हुई आठ ही आज क्यों हाथ में आठ में दिन आठ एक है जो सिरोई गांव रो वाणी वाही और बीरे के छोरे ने जो पान लागुड़ हुई वो मारे कन आई झाड़ी गिरने वास्ते भाईड़ा देख रही क्यों बाणियां गणे फिरे महाराज क्यों के बिणज करे गांव गांव रे मां पुरन टेम रे मां बाणियां है जगह बिणज किया था गांव गांव नगर नगर फिर करके और माल है जो किरानो बेचिया करता और अपनो जो अठे रो माल हो तो जगह ने महाराज खेतों रो जो को माल है जो भी खरीदिया करता क्यों बाणियों तो कोई बेव तो आ सके कोई बात को नहीं तू माने है जो को नौ और बता जन हनुमान जी महाराज रो ध्यान धरे हरिराम जी महाराज और के सेठ रो नाम है ताराचंद और सेठ रे बेटे ने क्यों पौन लागी जकेरो नाम है रामेश्वर लाल ये दो नाम बताया एर का भी भाईड़ा देख रही क्योंकि दो चार और बता ई तो किए दो नाम तो अर्ज ठीक कोई है के मिल जाए हरिराम जी महाराज देख रही क्योंकि सेठ री स्त्री रो नाम है ज्ञानवंती और रामेश्वर लाल सेठ रो बेटो है जगह स्त्री रो नाम है सावित्री ये चार नाम है जगह हरिराम जी महाराज है जगह सात दिन एडवांस बताया और इन्हें जोगान जोग सेठ ताराचंद जी जो को दिनमान करे उल्टा आवे है और आप रे बेटे ने रस्ते में बेवते बेवते ने कालिंगार सर्प खावे है जगो सजनो इतो मिणदारी सर्प खावे जगह रे कोई जहर री है जगो सीमा नहीं है जन पुरानी टीम रे मां आपने गांव रे मां हर गांव गांव रे मां गोगे जी महाराज री है जकी मेड़ा होया करदी हाँ तो गोगे जी महाराज री मेड़ी लावे है एरबा भोपा देखकर मन में विचार करियो क्यों रे पैसा नो हेठ है एर चोखी मजदूरी हुई एर सरु है जगह भराया है दूध हूं क्योंकि जगह भोपा है जगह टंक चूसे जगह ने दूध पीवनो पड़े दूध है जगह जेर का दिन कोचड़े नहीं हो रहे हाँ अम्बे भोपा दूध पिए और हंकड़ा जकी महाराज पांच पांच किला रा हंकड़ा रा ठूंठ दको में जको छड़ियों खावे ए भोपा है जगह केसरिया कमर दिने मनावे है और काई कह
अरे केसरियो रे केसरियो ओ परमेश्वरियो अरे थारी किलंगी पर हीरा मोती लाल रे नागन का जाया बारी पाथल राज आया चलो पीरा दो अरे थारी इलंगी पर हीरा मोती लाल नागन का जाया हारी बासल राज आया भलो पीरा जो के सजो साप को हीरा धरे मोकड़ा बाबा साप को हीरा धरे मोकड़ा अरे थारे बांड चारो अंतन पार नागन राज आया अरे भाई बादल राज आया भलो वीरा जो सजो रे के सजो परमेश्वर के सजो के सजो परमेश्वर अरे थारी किलंगी पर हीरा मोती लाल नागन का जाया अरे भाई बादल राज आया तो वीरा जो गोगे जी महाराज ने मनावे है और महाराज हकड़ाऊ माथो फोड़े वो किया बाकी सेठ रे बेटे रे जो एक पैसे मात्री है जो फर्क नहीं है अंबा भोपा आप तरी मा हेन दी जो रे ओ तो ई मेड़ी दी माते मरी ऐ कियो आमनी ई मेड़ी रो है जो बजराम मळो हां कियो कियई कोई न कोई है जो ओड़ाव लेर इन भेगो वाटू कियो बारे काढो आडो आपने ओ मेड़ी खराब करी हम सात दिन हुए है एर महाराज सुबह की टीम रे मां और सेठ रामेश्वर लाल रो ज्यादा जिदोरो यो है जया जया मुंजा फूटे है और सेठ सारा चंदी ने जो रामेश्वर लाल देख रही क्यों बोले पिताजी मन आतू क्यों घर ले लो एर क्यों नहीं तो मारा प्राण है जगह मेड़ी मत जाए जगना वो आगड़ो घर तो ठीक है तो सेठ तारा चंद जी आप रे बेटे रे जो सिरा ने हाथ दे करके अरे जू ही बैठो करियो अरे बा बोबा आप दे मा हेन करी क्यों भड़ देखो काई हो इयूं बेसी भर क्यों काई है जो मोको हुई ए फेंको क्यों हंकल जला ठूं दे जगह अब महाराज बे हंगला है जगी फेंकनी हरू करी जो दड़ा दड़ है जो 50 पाउंड है जो खेल दी जगी खेल दी पेड़ा रमा जार पड़ी है और क्यों सेटा फुर्ती करो अटो कहीं ले जाओ फिर आपी क्यों झुक क्या दसा और आपी हुआ और आपी उठाओ अरे क्यों ओ है जो मरी और मारी है जो की मेडी रूप नाम करियो थे
यूं कर भोपचे जो ओड़ाओ काड तेरे बटू है जो हेटों ने निकाल दिया। सेठ तारा चंद जी आपरे बेटे ने घरे लाया है और ज्यादा बेहोशी हुई है। जन महाराज सेठी बिचारो बड़ो भारी है जो दुखी हुई है और घर में सारा सब है जगह दुखी हो गया है और इन्हें अपने गांव झोरड़ेरी एक नायोरी बाई है जगह पनाउड़ी कट है के सिरोई और सेठ हमारे बाप पड़ोस रे मो बिरोई मकान जन बा बाड़ रे उठकर पूछे भी रामेश्वर लाल वाली स्त्री ने कह भाई भाभी साखियो है थोरे आ रहे में जन बा बिचारी रोवे है और बा कह ठीक कौन जन आपो दुखी वानी जन महाराज देवी देवता ने मन मन है जको गालियो ही काट तो बा कोई कहे अरे कोनी रे केसरिया कंवरी ओ कोनी गोगा पीरी गो अरे कोनी रे केसरिया कंवरी आ कोनी घोगा पीर रे अरे एक कल जुगरा झूठा सब भोपा दे केसरिया कंवर कोनी गोगा पीर अरे एक कलजुगा है झूठा सब भोपा देवता आज क्यों मारे पति रह जगह प्राण संकट में है और क्यों आज मारे है जगह कोई नेड़ो कोनी आवे मारे कोई सहायता कौन करे। डिंबा कहे कि एक बात है बोले काई के मारे गांव जोरडे रे मां और हरिराम जी महाराज एक दाई मां ब्राह्मण है और बड़ाई है जगह सिद्धि पुरुष है और हनुमान जी महाराज रो मारे इष्ट है और महाराज बड़ा भारी है जगह बेजारी कर है और जे थे बन लियो तो क्यों महाराज इरा प्राण है जगह होला ना बच जाए इमा कोई है जगो फर्क को जन बाप पूछे है के हरिराम जी महाराज बे भड़कीसा है जन भी पूरो परिचय दियो है के नागौर तहसील रे मां और गांव झोरडो है हां मत जिलो होयो सभी टे में तहसील ही प्राचीन समय की बात है बाकी अब तो नागौरी जिलो है बहुत जिला हो गया सरकार जी तो के ऐसा हाँ जोधपुर जिलो हो क्योंकि बड़े गांव रे मो नवला राम जी जगे संत यानी वो टीटोड़ी की कथा लिखी जकीर मो लिखियो है के मारवाड़ में और जिला जोधपुर एर चिल्ला स्टेशन बड़ा गांव ये बड़े गांव रो नाव पहले चिल्लो ही जूतो एर भी टेमर में जिलो जोधपुर तहसील होती नागौर मारवाड़ में जिला जोधपुर और के चिल्ला स्टेशन बड़ा गांव जसवत राम देव की कृपा के जग में हो गयो अमर
मिल जाओ अलख अविनाश मेरे के फिर जन्म नहीं भरना पुरुषार्थ ज्ञान प्रकाश से के भाई सुख से कौदड़ तिरना तो बीते मरमा आपरी बात सत्य है के जिलो है जुगो जोधपुरी हो तो बाकी बाबूजी की बात आई भी ठीक है के हरिराम जी महाराज ने तो घना साल को या निशा अवार ने समेर मई बाबू प्रगटिया तो इन्हें बा आपरे सुसरे आगे आकर के पकड़ी बात करे बोले ससुरा जी आप है जो गांव झोरडे जाओ जन सेठ सारा तन जी देख रही क्यों बे भड़ किसा न्यारे या थारा हरिराम जी गोगे जी भी जो भड़ गेली क्यों किसा ऊंचा है जन बा आपरे सुसरे ने बतावे है के नगर झोरडे रे मा हरिराम जी महाराज दाई मा ब्राह्मण है और महाराज बड़ा ही चमत्कारी है तो बा आपरे सुसरे ने काई कह रही है अरे जाओ महाराज ससुरा जी थे ओ हरि राम जी ने लावो वो अरे जाओ महाराज ससुरा जी ओ थे दादे जी ने लावो वो अरे ए प्राणे पति राधा दो राखे जी जी महाराज की तबा सेठ सारातन जी रे बेटे रामेश्वर लाल री है जी स्त्री सेठ ने कहे के जाओ महाराज ससुरा जी थे हरि राम जी ने लाओ और के प्राण पति रा दादो राक्षी जोशी जी ने जावे जाना के दुख मिट जावे एकल जुगरा अवतारी है साचा देवता सेठ मन में विचार करियो रे और तो एकदम इरा प्राण है जगा तो महाराज घड़ी पलकरा पड़िया है आ कह थे है जो गांव झोलने जाओ जन हो सके आ मारे सोरे हुए जो को मरती टेम रे मा है जो को पिछड़ो कराई अब जे नी जाओ हो तो इरे धोको रही और जे जाओ जन क्यों महाराज आपो रे धोको रही तो सेठ चित्र पोत्र साल रो बणियो हर मन में विचार करियो के भाई भगवान रे भरोसे बात है और सेठ बटु रवाना हुए नगर झोरडे जाउंडे वास्ते तो पुराण टीम रे मा अपना जगह बड़ा बुजुर्ग होता जके बे कोई करता के घरों विद्या होता जन महाराज कोई पानी रो पात्र है जको साथ में लेकर के रवाना होया करता सेठ है जको केसरिया पाग लगाई है और आत्रे मो जलदू पात्र लियो है आत्रे मो एक डोंगड़ी ली है और घरू है जो रवाने हुए है और नगर सोचू ही बारे आया है एन मारा सेठ है जगह सुगन मनावे है के भाई आपा ने देखो सुगन किस असर है पुरानिया आदमी अपना जगह बडेरा आ जगह थोड़ो घणो सुगन सरोदो लेर भई होया करता तो भी टेमरो कभी कहीं लिखे है और कई वार्ता पर बने है बोले हरिराम जी महाराज की मांगीलाल जी महाराज की।